नमस्कार, नवतेज डिजिटल में स्वागत है। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है। विधानसभा अध्यक्ष के बैराज स्थित कैंप कार्यालय में सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं द्वारा अटल जी को स्मरण करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। वहीं विधान अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी राष्ट्रवादी सोच, वेदांत छवि और राष्ट्र समर्पित जीवन से भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी है। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है। दिल्ली कुछ कर रहे किसानों को सितारगंज 74 न्यू बाईपास पर बैरिकेडिंग लगातार रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें कुछ उपद्रवी किसानों ने पुलिस प्रशासन के सामने ही बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस के रोकने के बावजूद भी वहां से अपने ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ाकर आगे के लिए कुछ कर गए। इसी दौरान सितारगंज कोतवाली में तैनात SSI के पैर में कुछ चोट आई, जिससे वो सही से चल भी नहीं पाए और कुछ किसान जिन्हें पुलिस ने दोबारा रोक लिया वो सभी मौके पर ही धरने पर बैठ गए। इसी दौरान पुलिस प्रशासन और कुछ किसानों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं किसान बीच रोड पर रास्ता जाम करके नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, आप लोग दिल्ली ना जाकर अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक यहीं करें। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर पर धरना लगाए बैठे हैं। इनको समर्थन देने के लिए यहाँ से और पूरनपुर और यूपी से लोग जो दिल्ली कूच कर रहे थे उनको रोकने का काम पुलिस प्रशासन ने किया। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है। भगवान यीशु का मनाया गया जन्मदिन। उनको याद करके उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर देश और समाज की सेवा करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। जिस प्रकार भगवान यीशु ने लोगों को भाईचारा और प्रेम का संदेश दिया था, हमारे द्वारा भी लोगों को भाईचारा और प्रेम का संदेश दिया जा रहा है। और भगवान यीशु ने लोगों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। हम दुआ करते हैं कि पूरे संसार के अंदर अमन और शांति बनी रहे और भगवान यीशु का आशीर्वाद बना रहे। और ऐसे हर साल हम लोग पूरी रात यहाँ पर जो है प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाया करते थे, पर इस साल हम लोगों ने कल शाम को 4 बजे से 6 बजे तक प्रार्थना की है और आज जो है 11 बजे से 1 बजे तक प्रार्थना है। हर साल के जैसे मना नहीं पा रहे हैं, भीड़ भी कम है और अधिक लोगों को हमने आमंत्रण भी नहीं किया है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है। दिल्ली के लिए कूच कर रहे किसान और पुलिस के बीच काशीपुर के IGL मोड़ और परमानपुर में तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने किसानों को रोकने में पूरी ताकत झोंक दी। आगे बढ़ा रहे किसानों का ट्रैक्टर पुलिस ने हाथों से पीछे धकेलने का प्रयास किया। SOITI विद्यादत्त जोशी ट्रैक्टर के सामने बैठ गए, लेकिन ट्रैक्टर आगे बढ़ाने की जिद पर अड़ा रहा और कई बार पुलिस कर्मियों के ऊपर चढ़ते चढ़ते बचा। घंटों की मशक्कत के बाद भी पुलिस किसानों को रोकने में नाकाम रही और किसान यहां से बाजपुर की ओर कुछ कर गए। हाँ, वो तो है, सब थोड़ा एग्रेसिव हो रहे किसान और हम लोग की भी विनंती है सबसे शांतिप्रिय तरीके से करें, अपने ही क्षेत्र में करें और इसीलिए हमको इनसे विनंती की है और इनको रोका गया है। हाँ, थोड़ा पुलिस के साथ तो इन्होंने जोर जबरदस्ती की है, बट अभी सारा ठीक है। और खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है। विधानसभा के ग्राम सभा पुंडेर गांव के ग्रामीण विगत 15 दिनों से पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं जल संस्थान पौड़ी के अधिशासी अभियंता को पता भी नहीं कि गांव में पानी चल भी रहा है या नहीं। आपको बता दें कि राज्य के मुखिया के घर से ये गांव मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर है। ग्रामीणों का कहना है कि उनको 4 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, यहाँ तक कि लेबर लगाकर पानी मंगवाना पड़ रहा है। पानी के कारण प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान पर भी पलीता लग रहा है। लोग शौचालय का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं, अपेलु खुले में शौच जाने को मजबूर है। एक और राज्य सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घर को 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देने की बात कर रही है। वहीं राज्य सरकार को पुरानी पेयजल योजनाएं पूरी तरह बीमार पड़ रही है। से पानी नहीं आ रहा आपके गांव? 10 दिन से। 10 दिन से पानी नहीं आ रहा, तो जिनके घर में बुजुर्ग हैं वो कैसे ला रहे हैं पानी? उसके उनके लिए हम ला रहे। तुम ला रहे हो? कितनी दूर से पानी ला रहे हो तुम? मस्कोट से ला रहे, मतलब दूसरे गाँव से? 1.5 किलोमीटर से? 1.5 किलोमीटर दूर से, मतलब सारा गांव सुबह सुबह पानी लाने के लिए जा रहा पहले। अच्छा, खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे विश्व में इस बार क्रिसमस कई जगह नहीं मनाई गई। इसी तरह हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित चर्च में नहीं पहुंच पाने से लोगों में मायूसी दिखाई दी। चर्च में मौजूद सिस्टर कल्पना बताया कि जिस तरह से COVID-19 ने देश में कोहराम मचाया हुआ है और अभी इसका कोई विकल्प और टीका नहीं आया, इसलिए चर्च में किसी भी अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सभी लोगों को यह संदेश दिया कि अपने घर से ही लॉर्ड जीसस का जन्मदिन धूमधाम से मनाएं और उन्हीं से कामना करें कि जल्द से जल्द कोरोना से हमें निजात मिले। मेरी क्रिसमस विश करती हूँ। प्रभु यीशु का जन्मदिन हुआ है आज,
Today, very specially, the Lord has blessed everyone. His peace and joy has brought happiness to everyone. And we believe that Jesus has come to this world as a Savior and Lord to save everyone, not only the Catholics, but the whole humanity. And since His peace and joy and happiness brought to all of us, we...